जहां पर बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। सुविधा और वहां पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, ऐसे अनेकों उपलब्धियों से भरा हुआ ये एक साल का कार्यकाल रहा है और पार्टी के निर्णय के अनुसार इसको हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस देश के इस प्रदेश के एक घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये काम 7 जून से प्रारंभ हुआ है। एक पार्टी ने कार्यक्रम बनाया है जनसंपर्क अभियान, इसमें हमारे दोनों कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रधानमंत्री जी की जो चिट्ठी है और एक साल की उपलब्धि का जो पत्रक है उसको घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और 25 लाख घरों तक पहुंचने का हमारे प्रदेश का लक्ष्य है और हमारे सभी लोग लगे हुए हैं, हम लोग लक्ष्य प्राप्ति करके रहेंगे। और उसी तरह से चूंकि ये कोरोना महामारी का समय है तो बड़ी बड़ी सभा रैली हम लोग नहीं कर सकते और इसीलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक साल की उपलब्धि को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए लगातार जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे प्रदेश में 30 जिले हैं और 30 जिले में 27 जगह कार्यक्रम हुआ है जनसंवाद का, जिसको हमारे प्रदेश के बड़े नेता सब संबोधित किए हैं और जिसमें लाखों लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर एक साल की प्रति हमारे नेताओं के भाषण को सुने। उसी तरह से हमारे जितने मोर्चा और प्रकोष्ठ है उन्होंने भी लोकसभा स्तर में विधानसभा स्तर में भी जनसंवाद का कार्यक्रम हुआ है। 90 में से अभी तक 71 विधानसभा में जनसंवाद का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। हमारे युवा मोर्चा के लोग भी आगे बढ़ चढ़कर लोकसभा वाइज जनसंवाद का कार्यक्रम किए हैं और हमारे जो मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रभारी है रामप्रसाद जी, उनके मार्गदर्शन में हमारे मोर्चा और प्रकोष्ठ के लोग बढ़ चढ़कर जनसंवाद का कार्यक्रम किए हैं, जिले में भी हुआ है। तो इस तरह से कुल मिलाकर करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों तक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग पहुंचे हैं और एक साल की उपलब्धि को बताने का प्रयास किए हैं। और इसी कड़ी में 28 तारीख को कल एक बड़ा वर्चुअल रैली एकमात्र जो हमारे प्रदेश में होना है वो होना है और उसमें चलिए।